कैप्टन, ये क्या हो रहा था? कैप्टन, ये प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल कैसे चला गया? कुछ नहीं, इसको वही फाइटर पायलट दिखा। I swear I saw him. वो इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में था। यस सर, वो यूं जुप से हमारे बगल से निकल गया और विंडो के बाहर से वेव भी कर रहा था। उसका फेस थोड़ा सा जला हुआ था। सर, मैंने भी उसी पायलट को देखा था। उसका चेहरा जला हुआ था। कमाल है, योर ऑनर। नहीं, मैंने सोचा था आज मैं आऊंगा यहाँ पे 10 मिनट में केस खत्म करके चला जाऊंगा। सब लोचा हो गया ना? अब ये दोनों पायलट जो कह रहे हैं उसके बाद तो बात माननी पड़ेगी। और मुंबई से फ्लाइट 2:40 पे टेक ऑफ हुई और जैसलमेर 3:48 को लैंड हुई। अब 48 मिनट का सफर, इतना लंबा सफर भी तो नहीं है योर ऑनर कि मैं ये कह सकूं कि दोनों पायलट थक गए थे, मेंटल स्ट्रेस हो गया था। लेकिन लेकिन योर ऑनर, इसके आगे जो आगे भी बहुत कुछ है योर ऑनर। मेरे मुखिल सावरकर साहब ने जो बोला और दोनों पायलट्स की कथन में योर ऑनर, कोई ऐसा रहस्य तो है जो इस समय हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस रहस्य को खोलना बहुत आवश्यक है। इस जूनियर को भी थोड़ा अगर समझा दे तो। अब दोस्त, क्या है कि जैसलमेर मुंबई वायु मार्ग पर तो अनेक विमान की यातायात होती है, तो किसी भी विमान वहाँ भूतिया पायलट या वो भूतिया फाइटर जेट कुछ नहीं दिखा। सिर्फ स्काईलाइन एयरलाइंस के इसी विमान में, जिस विमान में नागर साहब यात्रा कर रहे थे, उसी विमान में लोगों को, उनके पायलट्स को ये भूतिया पायलट दिखाई दे रहा था। क्या कारण है इसके पीछे, मैं ये कहना चाह रहा था यार। बाप, इसे कोइंसिडेंस कहिए या कुछ भी, लेकिन हमने उस पायलट को देखा था योर ऑनर। कश्यप साहब, देखिए, आपको मैं गलत ठहराने का प्रयास नहीं कर रहा। मिस्टर पाठक, आप इन्हें ना सही ठहरा रहे हैं ना गलत। आफ्टर ऑल, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ योर ऑनर कि जिस विमान की उड़ान में नागर साहब की हत्या हुई थी, कल फिर उसी स्काईलाइन एयरलाइंस की विमान की उड़ान में उथल पुथल मची, मौसम खराब होने के कारण थोड़ा सा वो उस समय योर ऑनर एयर होस्टेस नमिता विमान की टॉयलेट में थी, तो उनके सर पर अचानक एक बोतल आग गिरी। ये बोतल जिस समय मेरे हाथों में है, रम की बोतल जो किसी ने पी कर वहाँ छिपा दी थी, और ये बोतल जिसने वहाँ छिपाई थी उन्हें मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूँगा नहीं, क्योंकि वो इस समय यहाँ उपस्थित हैं कटघरे में। स्वाब टेस्ट से पता चला है। सोहम जी, अब इतना तो सिद्ध हो गया है कि रम का सेवन आप ही ने किया था। अब ये भी बता दीजिए कि कब किया था ये, या कल तो नहीं किया था आपने, क्योंकि जैसे ही वो विमान नियंत्रण से बाहर हुआ उसे आपातकालीन लैंडिंग करा दिया गया और जो यात्री थे उन्हें दूसरे प्लेन में बिठाकर उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया गया, तो स्पष्ट है कि उस समय तो आप ने मदिरा का सेवन नहीं किया होगा। तो कब, किस दिनांक पर आप कॉकपिट छोड़कर वहाँ शौचालय में गए और वहाँ रम का सेवन किया और वो बोतल वहाँ छिपाई, बताइए ना कब? जी वो मैं, बोलिए ना, स्पष्ट रूप से बात करिए। जी एक्चुअली उस रात में काफ़ी थका हुआ था और नहीं नहीं, वो थके हुए थे आप, नहीं थके हुए थे वो नहीं जानना हमको, ये जानना है कि किस दिनांक पर आपने मदिरा का सेवन किया था। मुझे लग रहा है संभवतः उसी रात जिस रात नचिकेत नागर की हत्या हुई थी। क्या मैं सही कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? हाँ, मैं उसी रात की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं भी कुछ बात करना चाहता हूँ योर ऑनर। कन्फ्यूजन है पाठक साहब, पिछली डेट में आपने ये कहा था कि ये जो पायलट है उनकी साइड से प्लेन तो ऑटो पायलट मोड पे था ही नहीं, मतलब कि ये कॉकपिट से बाहर तो निकले नहीं। झूठ बोल रहे हैं, पूछिए ना। झूठ बोल रहे हैं योर ऑनर, दरअसल
मुझे रोज पीने की आदत है। रात के 10 बज गई आई वॉन्ट माई ड्रिंक्स। और उस रात भी जब कैप्टन पीटरसन नैप ले रहे थे, तो फिर आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई अदालत में? झूठ क्यों बोला कि आप कॉकपिट से बाहर गए ही नहीं? क्योंकि सच बताने पर एयरलाइन मुझे नौकरी से निकाल सकती थी। मुझे लगता है कि आपका उद्देश्य कुछ और ही था। आपका उद्देश्य केवल मदिरा का सेवन करना नहीं था, जो योजना आपने बनाई थी उस योजना को साकार करने का था। हुआ ये संभव था कि आप कॉकपिट से निकले उस समय जब अल्बर्ट सो रहा था, आपने उसे सोने दिया, उसे उठाया नहीं, जगाया नहीं। यहाँ समय पर मैं अदालत को स्मरण करा देना चाहता हूँ योर ऑनर की कश्यप साहब भी गए थे नमिता के साथ वो खंजर खरीदने, जिसका अर्थ ये होता है कि ये जानते थे कि नमिता के हैंडबैग में वो हथियार रखा हुआ है। सोते हुए अल्बर्ट को आप वहाँ कॉकपिट में छोड़कर आए, बाहर निकले, आप शौचालय में गए, वहाँ मदिरा का सेवन किया, नमिता के बैग में से वो खंजर निकाला और नचिकेत नागर की छाती में घोंप दिया। सॉरी मिस्टर पाठक, लेकिन आप बकवास कर रहे हैं। कल मैं आपके साथ जाकर कोई हथियार खरीदूं और उससे किसी का खून हो जाए, इसका मतलब खूनी आप हुए? ये क्या लॉजिक हुआ? एक मिनट, क्या बदतमीजी है? क्या लॉजिक है, क्या मतलब है? अगर मैं कह रहे हैं कि आपके पास कारण था तो कारण था, बिना कारण वो कुछ बोलते नहीं है। मोटिव ऑफ मर्डर भी होगा उनके पास, जैसे मेरे पास है। इनके पास मोटिव ऑफ मर्डर था क्योंकि पॉलिटिशियन से नफरत करते हैं। वैसे मैंने नागर को नहीं मारा है, उस विंग पर दिखने वाले पायलट ने नागर का खून किया है। और अब तो मैं अकेला नहीं हूँ, ये दो पायलट भी तो यही कह रहे हैं। देखिए, आप पायलट्स की बात को मैं मान सकता हूँ पर्सनली, लेकिन ये अदालत भूत प्रेत के चक्कर को नहीं मानती। क्यों मिस्टर पाठक? योर ऑनर, आपकी तरह मैं भी भूत प्रेत में नहीं मानता, किंतु प्रश्न पूछ रहा हूँ योर ऑनर कि अगर ऐसा कुछ होता प्रेत के रूप में, भूत के बेस में, तो वहां उपस्थित हर व्यक्ति को दिखता है, किंतु ऐसा नहीं हुआ। केवल मेरे मोक्किल को दिखा और इन दोनों पायलट्स को दिखा। क्या कारण था इसके पीछे? वो भूत पायलट मैंने भी देखा था। जब मैं इकोनॉमी क्लास में सर्व कर रही थी तो अचानक बिजनेस क्लास से कॉल बेल बजी थी। Excuse me, sir. Business class में तो कोई बुकिंग नहीं थी, फिर आप यहाँ। मैं कह रहा था ना वो है। उस दिन ये एयर होस्टेस मेरी बात का यकीन नहीं कर रही। मैं अभी भी आपकी बात पर यकीन नहीं कर रही हूँ। अभी तो तुमने कहा कि तुमने उसे देखा, फिर भी ये सच नहीं है। योना वहम, हैलुसिनेशन। अगर आपको भ्रम हो रहा था, स्वयं आपको कैसे पता चला कि आपको भ्रम हो रहा है? इसलिए कि मैं बताती हूँ सच्चाई क्या है। हाँ कृपया सच ही बताइए। योनव, कोई भूत नहीं था वहाँ। ये सब एक खेल है, एक षड्यंत्र। टीना, ये जूस मैं पायलट को सर्व करने जा रही हूँ और ये दो तुम्हारे सतीश के लिए, पी लेना। थैंक यू। योनो, वो एमीट्रिप्टिलीन नाम का ड्रग था जिसका पाउडर नमिता ने जूस में मिक्स किया था, जिसके साइड इफेक्ट्स की वजह से दोनों पायलट्स और मैं एक्चुअली में हैलुसिनेट कर रहे थे। सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि सामने कुछ है। और ऑलरेडी वो घोस्ट पायलट का काफी जिक्र हो चुका था, इसलिए ये बात हमारे जहन में बैठ गई थी। इसलिए हमें ऐसा लग रहा था जैसे वो एग्जैक्टली हमारे सामने है, बिल्कुल आंखों के सामने। इस सब के पीछे नमिता योनो, ये सब कुछ वही कर रही है। योना, टीना झूठ बोल रही है। मैंने जूस में कोई ड्रग्स नहीं मिलाया था। और टीना जिस ड्रग का नाम ले रही है वो तो मुझे पता तक नहीं है। मैं सही हूँ योना। मान लेते हैं कि आप सच बोल रही हैं,
अब ये बताइए कि जब आपको पता था, ये जानकारी थी कि उस जूस में ड्रग्स मिले हुए हैं, तो आपने फिर वो जूस पिया क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उस जूस में ड्रग मिला हुआ है। मुझे लगा नमिता शायद शुगर डस्ट ऐड कर रही है, और उसकी स्मेल से भी कुछ पता नहीं चला। अब लगा नहीं लगा इत्यादि इत्यादि ये सब बातें छोड़िए। अगर ये मान लेते हैं कि उस जूस में ड्रग्स मिलाए गए थे, तो सतीश ने भी वो जूस पिया था, तो उसका असर तो सतीश पर भी होना चाहिए या नहीं? सर, उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, मुझे सर्दी हुई थी, इसलिए मैंने जूस नहीं पिया। आहटी। तो जूस नहीं पी थी आपने, ड्रग्स वाली चाय पी थी आपने, इसलिए आपको वो भूतिया पायलट नहीं दिखा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सावरकर साहब, कि क्या आपने भी वो जूस पिया था जो नमिता ने आपको प्रदान किया था सफर के दौरान? नो सर, उस दिन मैंने प्लेन में पानी के अलावा और कुछ नहीं लिया था। As you know, I was not feeling well. जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, नमिता भी एक बार मुझे बिजनेस क्लास में छोड़ने के बाद दोबारा वहाँ पर नहीं आई। मेरे कॉल करने पर बार बार टीना ही वहाँ आ रही थी। क्योंकि ऑनर ये मेरी मजबूरी थी, मैं अकेली ही बिजनेस और इकोनॉमी क्लास दोनों हैंडल कर रही थी, क्योंकि उस वक्त नमिता और सतीश टॉयलेट में एक साथ अंदर बंद थे। और मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगी कि दोनों अंदर टॉयलेट में क्या कर रहे थे, लेकिन मेरी बात का यकीन कीजिए ऑनर, ये सब नमिता ने ही किया है, और नमिता ने ही जूस में ड्रग्स मिक्स किए थे। सतीश को कोई सर्दी वर्दी नहीं हुई थी, ये झूठ बोल रहे हो ना, बल्कि नमिता ने ही इसे मना किया होगा जूस पीने के लिए, क्योंकि सतीश और नमिता का अफेयर, व्हाटएवर, मैं वो बताना जरूरी नहीं समझती। योर ऑनर, टीना एक बार कहती है कि मैंने जूस में ड्रग्स मिलाया था, फिर कहती है कि उसी जूस को मैंने सतीश को पीने से मना कर दिया। टीना खुद पागल हो गई है और हम सबको पागल कर रही है, झूठ बोलकर फंसा रही है मुझे। पर नमिता जी, क्यों टीना आपके साथ ऐसा कर रही है, क्यों आपको फंसाने का प्रयास करेगी? क्योंकि मैं सतीश से प्यार करती हूँ और एक सेकंड, मुझे अभी अभी एक बात याद आई, सतीश नमिता से प्यार करता है, इसीलिए सतीश नागर को घूर घूर के देख रहा था। मैंने खुद सतीश को बहुत गुस्से में देखा था, वो पॉलिटिशियन नागर को उड़ते हुए प्लेन से उड़ाने की बात कर रहा था। और योना, जब मैंने सतीश को बिजनेस क्लास से बाहर निकलते हुए देखा, तो वो ऑलरेडी काफी भड़का हुआ था। आज उस हरामजादे को छोड़ूंगा नहीं। सतीश, प्लीज समझने की कोशिश करो, क्या कर रहे हो तुम? मत रोको नमिता, उस कमीने नागर को मैं आज यमराज से भेंट करा के रहूंगा। सुनो मेरी बात, हम फ्लाइट में। अच्छा सतीश जी, वो यमराज आप ही हैं जिसने बेचारे नचिकेत नागर को यमलोक पहुंचाया? नहीं मिस्टर पाठक, उस वक्त मैं काफी गुस्से में था, क्योंकि वो नागर तो साफ है, नचिकेत नागर आपकी प्रेमिका के लिए अशब्द क्रूर शब्द का उपयोग कर रहे थे, तो आपको आया क्रोध, आपने बैग में से खंजर निकाला, उसकी छाती में घोंप दिया। नहीं सर, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, नमिता ने मुझे बताया भी नहीं कि उसने खंजर खरीदा था। योर ऑनर, ये कैसे संभव है, प्रेमियों के बीच में कोई बात गुप्त तो रहती नहीं, आप जानते थे। तो मुझे कुछ याद आ रहा है, वो छोटा सा बालक, उसकी गेंद जब बिजनेस क्लास की ओर गई थी, आपने उसे वहां जाने से रोका था। बाल लग जाएगा किसी को, ले। अरे बेटा, उधर कहाँ जा रहे हो? मुझे बॉल चला गया था। ओके, डोंट वरी बेटा, मैं लेकर आता हूँ। ओके, लेकिन तुम यहीं रहना, ठीक है? हाँ। यही कारण था कि आपने उस बालक को बिजनेस श्रेणी में जाने से रोका, क्योंकि आप जानते थे कि वहाँ हत्या हुई है, नचिकेत नागर की लाश बेचारी की वहाँ रखी हुई है, यही कारण था ना? एक मिनट, क्या हो क्या रहा है पाठक साहब, बार बार मुझे डिस्टर्ब करने में मजबूर क्यों कर रहे हैं आप? क्या क्या प्रूफ क्या करना चाहते हैं टाइम वेस्ट करके आप? योर ऑनर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, यहाँ पे पाठक साहब कुछ गुगली फेंक रहे हैं, वहाँ पे वो कहाँ गई वो लड़की, यहाँ वो
ड्रग की चुगली फेंक रही हैं आप? यार ओनर, मैंने तो आज तक कभी सुना नहीं है कि कोई ऐसा कोई ड्रग हो जिसके जिसके लेने से आदमी को भूत दिखाई दे। योर ऑनर, आई कैन प्रूव मायसेल्फ। मैं उस ड्रग एमीट्रिप्टिलीन का सैंपल लाई हूँ क्योंकि मैं ये जानती थी कि अदालत में ये सवाल जरूर उठेगा। योर ऑनर, मैंने नेट पे सर्च भी किया था, ये एक बहुत पावरफुल ड्रग है। इसे कंज्यूम करने के बाद अजीब अजीब तरह की हैलुसिनेशन होने लगती है और ये सच है। बकवास, ऐसा कोई ड्रग है नहीं योर ऑनर जिसकी वजह से ऐसा हैलुसिनेशन हो। नहीं, अब वो कह रहे हैं तो संभवतः उस ड्रग का कुछ तो असर होगा जायसवाल साहब, लेकिन उसका क्या असर होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो तो एक बार उस ड्रग का सेवन करने से ही पता चलेगा। अब कोई अगर मर्द है ना, मैं हूँ ना, हाँ मैं अभी साबित करके दूंगा। ऑफकोर्स योर ऑनर, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। और अब फाड़क साहब, खड़ा हूँ मैं। फाड़क साहब, कुछ हुआ नहीं? कुछ भी हुआ नहीं, जज साहब जज साहब ही हैं, आप हमारे सीनियर हैं केडी पाठक साहब, कुछ हुआ नहीं योर ऑनर। ये पीएम योर ऑनर, शायद एक साथ पी लिया तो मुझे थोड़ा बिजी फील हो रहा है। दो मिनट के लिए बैठ जाऊं योर ऑनर, इफ यू डोंट माइंड। ऑफ कोर्स आप बैठिए मिस्टर जायसवाल। टाइम वेस्ट। मिस्टर जायसवाल, आर यू ऑल राइट? ऑनर, सब कहाँ चले गए? योर ऑनर, ये लोग Jaiswal, are you all right? No. योर ऑनर, जायसवाल साहब की दशा देखकर मुझे लग रहा है कि कार्यवाही यही स्थगित कर देनी चाहिए। नहीं, द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। समझ में नहीं आ रहा रोचक जी, आपका ये केस बहुत ही उलझता जा रहा है। कोई उलझन नहीं है पाठक सर, सिर्फ मैंने नहीं, इतने सारे लोग भी तो कह रहे हैं कि उन्होंने भी भूतिया पायलट को देखा था। इतने लोग तो झूठ नहीं बोल सकते, आपको सिर्फ अदालत को कन्विंस करना है। कैसे कन्विंस करूं? जो बात मैं ही नहीं मान, मेरे गले से ही नहीं उतर रही, अदालत को उस बात पर विश्वास कैसे दिलाऊं? जो भी है, सत्य बहुत जल्द सामने आ जाएगा। आप ये बताइए कि उस विमान में उस समय कोई ऐसी घटना घटी थी जो संकेत दे सके कि हुआ क्या था असल में, याद करके बताइए। पाठक साहब, मैं जो कुछ भी जानता था मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ। जोर डालिए याददाश्त पर, याद करके बताइए कुछ भी। उसी पायलट ने नागर के सीने में खंजर मारा था। वाह, कौन से हाथ का उपयोग किया था उसने खंजर मारने के लिए?
लेफ्ट, उसने बाएं हाथ से खंजर चलाया था। बाएं हाथ से खंजर चलाया, याद करिए, और कुछ छोटी सी भी बात हो। हाँ, एक मिनट। फोन करने के बाद जब वो पायलट मुझे खंजर दे रहा था तो पता नहीं क्यों थोड़ी देर के लिए वो कुछ झिझक गया। उसने एक पैर पीछे लिया, फिर खंजर मुझे थमाकर वहां से चला गया। प्रेत पायलट हिचकिचाया। सर, हमें टीना के बारे में पता चला है। वो एक्चुअली पहले सतीश की गर्लफ्रेंड थी। बहुत पिछले साल ही दोनों का ब्रेकअप हुआ था। और किसकी वजह से? नमिता की वजह से। और तब से नमिता और सतीश साथ साथ। इट्स अ लव ट्रायंगल वाला केस, पायलट का नहीं, पिछले प्यार का भूत। हाँ, लेकिन हमारे केस का एंगल अलग है। नचिकेत नगर की हत्या और उसका आरोप रोचक सावरकर पर। ये टीना, नमिता और सतीश पर नजर रखो। साथ में उस विमान में जितने यात्री थे सबकी जानकारी प्राप्त करो। ओके सर। और वो 70s का फाइटर पायलट, क्या नाम है, विंग कमांडर अहूजा, उसके भी भूत के बारे में मत मारी गई है। मेरी क्या बोल रहा हूँ मैं, उसके भूतकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करो। जो ऑलरेडी भूतकाल बोले तो पास्ट है, पास्ट उसको अपन लोग कैसे जानेंगे, जरा बोलो तो सही। घर वालों से पता कर सुमन। मैं क्या बोलूं, मेरे पति की तस्वीर ही बोलती है। राकेश को तो बस दो ही चीजों में रुचि थी, एक एयरफोर्स और दूसरा क्रिकेट। अगर आज वो एयरफोर्स ज्वाइन नहीं करते तो बहुत बड़े क्रिकेटर बनते। उन्होंने देश के लिए जो भी किया मुझे गर्व है उन पे और उनके शहीद होने पर। हम समझ सकते हैं मैम, आप प्लीज बुरा मत मानिए, हम एक्चुअली किसी खास मकसद से आए हैं। आपने तो जरूर सुना होगा, लोग कहते हैं कि राकेश आहूजा की आत्मा आज भी वहीं दिखती है जहां लड़ते हुए प्लेन क्रैश में उनकी मौत हुई। क्या आप इस बात में यकीन रखती हैं? आंटी इसे छोड़ो, येड़ी है क्या ना, अपुन का बॉस बोले तो केडी बॉस सॉलिड वकील है, बहुत बड़ा वकील है। बॉस एक केस में फंसे हैं, लोगों का कहना है कि तुम्हारा पति बोले तो तुम्हारा शहीद पति का तुम्हारा शहीद पति का आत्मा प्लेन में घुस के लोगों को मार रहा है। आप समझ रहे हो अपुन की बात है आंटी? तो अपुन ये पूछ रहा है कि तुम्हारा इस बारे में क्या कहने का। तो टेंशन हो ना, ऐसा पति की याद है। आंटी ये लांछन लगाती हो मेरे शहीद पति पे? ऐसा नहीं करने का आंटी, आंटी ऐसा नहीं करने का, कानून का हाथ में नहीं लेने का आंटी। चले जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। ए, आंटी ऐसा नहीं करने, क्या कर रहे हो, बंदूक है, बंदूक मजाक नहीं है। थक गई हूँ मैं, जब से ये केस खुला है मेरे पति आंटी क्या आंटी अपन लोग है ना ऐसा वो पूछ रहा था आंटी। सर आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा था कि हमें एक बार फिर जैसलमेर घूमने जाना चाहिए और उसी विमान में वापस लौटना चाहिए। पन काई को बॉस, मतलब अपुन लाए लाए ना, आपने अपुन को क्या बोला था, अपुन सब हिस्ट्री ज्योग्राफी वो पैसेंजर पैसेंजर सब लाए लाए, ये रिपोर्ट भी लाए लाए बॉस अपुन। मैंने तुझसे कहा था ना सामान्य ज्ञान इतना सामान्य नहीं होता। एक काम करो, फ्लाइट की टिकट्स बुक करो और चल, तू चल मेरे साथ। चलते बॉस। ये फैक्ट भी सामने आया, इनफैक्ट इसका नाम भी, ये भी इन्वॉल्व था। अगर आप ये भी चेक करेंगे सर। टी नमिता जी कहीं है, वही चाय तो नहीं आपकी खास चाय पाउडर मिली हुई? एक छोटे इल्जाम की वजह से पहले से बहुत टेंशन में हूँ, पता नहीं मेरी नौकरी ना चली जाए।
थैंक्स फॉर द टी। चाय पियोगी? हाँ सर। थैंक यू। एक्चुअली दो दिन पहले नमिता और सतीश की शादी पक्की हुई थी, लेकिन नमिता पर इल्जाम लगने की वजह से दोनों की शादी में प्रॉब्लम्स आ गई हैं। बॉस अपुन को क्या लगता है मालूम? अपुन को लगता है ये टीना ना ये गेम खेल रही, ये गेड़ा बना रही है बॉस। अपुन को लगता है इसको नहीं मांगता था कि नमिता और सतीश का ब्याह हो, बोले तो ब्याह, तो इसीलिए उसने ड्रग का सारा नाटक किया। तो अगर तू ठीक बोल रहा है और अगर वो कहानी झूठी है कि नमिता ने जूस में ड्रग्स मिलाए, तो फिर दोनों पायलट ने जो भूत देखे उस पायलट का, वो कहानी भी सच्ची नहीं हो सकती। बॉस वो सब छोड़ो, लेकिन अपन को ये बताओ अपन को भूत काहे को नहीं दिख रहा, वो देखने का बॉस। Hi, this is Captain Albert. We are about the Kutch region, 13 minutes away from Jaisalmer. Hope you are enjoying the flight. Thank you. Kutch boss, बोले तो डेंजर इलाका, भूत दिखेगा। ये खोलना खिड़की, अपन भी तो देखे वो भूत की उड़ी मार रहा है। लेकिन सोहम का शिप कहाँ है? अनाउंसमेंट करने का काम तो को पायलट का होता है, फिर चीफ पायलट अल्बर्ट क्यों अनाउंस कर रहा है? ये अपन बताता ना, एक मिनट। दस बज गए, वो येड़ा रहेगा टॉयलेट में रम पी रहा रहेगा। अपन बोले ना बॉस। सर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल ही गई। जब हम सोहम कश्यप के बारे में फाइंड आउट कर रहे थे तो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे सामने आया। सोहम कश्यप के फादर अजीत कश्यप एक आईएएस ऑफिसर थे और आज से 4 साल पहले ही उनकी एक कोल माफिया द्वारा हत्या हो गई थी, और तब नचिकेत नागर का नाम भी सामने आया था कि उसके इशारे पर कोल माफिया ने हत्या की थी। हालांकि कोर्ट में इनफ एविडेंस ना होने के कारण नचिकेत नागर को क्लीन चिट दे दिया गया। और अब उनको भी इस येड़ी की बात सही लग रही है, मतलब हो सकता है कि वो सोहम ने अपने बाप का मर्डर, मतलब बाप के मर्डर का बदला लेने के लिए उसका मर्डर किया रहेगा। क्या बोलते बॉस? प्लीज सतीश, एटलीस्ट तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। मैं क्यों किसी के जूस में ड्रग्स मिलाऊंगी? अब भी वक्त है, प्लीज घर वालों को रोक लो हमारी शादी तोड़ने से, प्लीज समझो, प्लीज सतीश। ये भूत है या कोई व्यक्ति है, ये कौन है ये तो पता लगाना पड़ेगा, उसे बाहर निकलना। हेलमेट और मास्क उतारा हूँ। लगता है इसकी रम की बोतल में कुछ मिलाया होगा। लेकिन ये किसने मिलाया होगा? एक ही तो है जो ये सब ना सुनी थी ना। प्लीज स्टॉप इट, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं मिलाया। ये झूठ बोल रही है, मेरी बात का यकीन कीजिए। सीख लो केडी का ठीक है। पाटा कहाँ गए? अरे गए रहेंगे कहीं, फ्लाइट में रहेंगे, और किधर जाएंगे? क्यों अचानक? एडी इधर नहीं बॉस, अपन देखते हैं। बॉस बॉस एवरीबॉडी प्लीज टेक योर सीट, प्लीज काम डाउन, बैठ जाइए प्लीज। पाठक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अचानक कैप्टन, मिस्टर केडी पाठक यहाँ आए थे? नो, वो यहाँ क्यों आएगा? बहुत गड़बड़ हो गई है, मिस्टर केडी पाठक कहीं मिल नहीं रहे, और वहाँ टॉयलेट में सोहम की लाश मिली है। What? हाँ, और वो भी घोस्ट पायलट की यूनिफॉर्म में। सोहम की लाश घोस्ट? मतलब सोहम एक घोस्ट पायलट? तुम जा पीछे, I will manage the flight alone.
कौन है वे? कैप्टन, कैप्टन आप प्लीज मेरे साथ बाहर चलिए। अब क्या हुआ? आप आइए तो सही, मैं बताती हूँ। प्लीज प्लीज आइए कैप्टन, आइए कैप्टन। लुक बोल, अरे बोल क्या कर रहे हो, बोल फिर जाओ, बोल पकड़ के रखो, अरे बोल ना, हल्के चला दे बोल। गाइस गाइस, समथिंग्स रियली रॉन्ग अबाउट दिस प्लेन, सोहम का भी जान गया, मैं कूद रहा हूँ। आपको प्लेन चलाना भी आता है? जी नहीं, मैं प्लेन चलाना जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे फ्लाइंग क्लब की ट्रेनिंग काम में आ गई आज। अरे अपन लोग सुपर मैन है, सुपर। आप तो बाहर थे अभी, अंदर कैसे आ? हाँ मिस्टर पाठक, हम सबने आपको प्लेन के विंग पर देखा था। जरा शांत रहिए आप लोग, प्लेन को लैंड भी करना है। कंट्रोल टावर से संपर्क हो गया तो हो सकता है वो लोग हमें लैंड करवा दें। कंट्रोल टावर कम इन, कंट्रोल टावर कम इन। मिस्टर पाठक, सारे क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग चीफ पायलट मिस्टर एल्बर्ट, सबके सब यही कह रहे हैं कि इन्होंने आपको प्लेन के विंग पे देखा। अब इतने सारे लोगों को एक साथ वहम कैसे हो सकता है? जी नहीं यार ओनर, उनका वहम नहीं है, सत्य बोल रहे हैं सब। नहीं, विंग पर प्लेन की मैं था। कैसे? मतलब मेरा मेरी छवि थी है? वो कुछ मैं समझाता हूँ, कुछ ऐसे ही यार। तो वो बहू आप है, ऐसा कैसे? ये तो वो है क्या, वो 3D जी? नहीं नहीं, 3D बिना चश्मे के हो ही नहीं सकता। 3D समझाता हूँ जसवाल साहब। योर ऑनर, ये नया एडवांस तकनीक है, 3D सिमुलेटेड होलोग्राफिक इमेज। विदेशों में इसका उपयोग किया जाता है फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए, उनको अभ्यास कराने के। केवल छूने से ही पता लगता है कि ये असल नहीं नकल है। योर ऑनर, जैसलमेर मुंबई हवाई मार्ग पर हत्या की रात और उसके पहले भी जब जब फाइटर पायलट लोगों को दिखाई दिया, बिल्कुल ऐसे ही 3D होलोग्राफिक इमेज का उपयोग किया गया था। वो फाइटर पायलट असल नहीं नकल था। मुझे जो अदालत में दिखा वो क्या? हाँ वो योर ऑनर, वो बस जयसवाल साहब का एक काल्पनिक पात्र था, जो ड्रग्स टीना ने दिया था इन्हें। टीना वास्तव में योर ऑनर नमिता को फंसाने का प्रयास कर रही थी। अरे एक एक लास्ट वन मोर क्वेश्चन, जिसका बहुत इम्पोर्टेंट लेना देना है इस केस के साथ, कि आपको कैसे पता चला कि ये जो छवि है, जो इमेज है, वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी 3D होलोग्राफ वगैरह है? योर ऑनर, मेरे मोकिल
सावरकर साहब ने मुझे बताया था कि इन्हें कभी कभी वो भूत कहिए या वो छवि धुंधलाती हुई दिखी। वो इस कारण से योर ऑनर, क्योंकि उस ऊंचाई पर जब होलोग्राफिक प्रोजेक्शन किया जाता है तो कभी कभी वो टूटता है, जिसके कारण इमेज धुंधलाता है और छवि धुंधला जाती है। और जब मैंने योर ऑनर ब्रिटिश पायलट ट्रेनिंग एसोसिएशन के बारे में पढ़ा, मुझे पता चला कि वहाँ पर ऐसी तकनीक का उपयोग किया जाता है, तब मुझे संदेह हुआ। अब योर ऑनर, स्पष्ट है कि ऐसा तो उसी व्यक्ति ने किया होगा जिसने उस भूतिया पायलट की कहानियां सुनी होंगी। पर ये सब कौन कर रहा था मिस्टर पाठक? योर ऑनर, इस स्तर पर मैं अदालत को स्मरण कराना चाहूंगा कि बिजनेस क्लास की वो सीट जिस पर सावरकर साहब बैठे थे, मेरे मुवक्किल बैठे थे, वो सीट इनकी नहीं थी, वो सीट मेरी थी। किंतु अंतिम क्षण में इनका स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण इनके साथ मैंने सीट की अदल बदल कर दी थी। ये जानकारी हत्यारे के पास नहीं थी, उसे तो यही अपेक्षा थी कि मैं ही उस सीट पर मिलूंगा। वो पायलट था, जो खूनी था, जो भी कोई था, आपको वहाँ पे उस सीट पे एक्सपेक्ट क्यों कर रहा था? समझे? हाँ, समझ गया। कभी कभी जायसवाल साहब आप भी अच्छा प्रश्न कर लेते हैं। योर ऑनर, जायसवाल साहब का प्रश्न बहुत उचित है। वो जो हत्यारा जो भी था, वो नचिकेत नागर की हत्या करके मुझे उस आरोप में फंसाना चाहता था। और पूरी कहानी क्या है ये जानने के लिए मैंने कल रात फिर से उसी विमान में यात्रा की। उससे पहले योर ऑनर, मैं भूतिया पायलट, जिसे हम कहते हैं, विंग कमांडर रमेश आहूजा के घर गया, उनकी पत्नी के साथ भेंट की और कुछ चित्र मैं उनके लेकर आया। और मैं चाहता हूं कि एक बार आप देखें। योर ऑनर, इन चित्रों को ध्यान से देखेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि विंग कमांडर राकेश आहूजा कार्य करने के लिए दाएं हाथ का प्रयोग करते थे, राइट हैंडेड थे। और मेरे मुवक्किल ने ये कथन दिया है कि जो भूतिया पायलट इन्हें दिखाई पड़ा उस विमान में, उसने खंजर भूखा था लेफ्ट हैंड से और बाएं हाथ से। अब सोचने वाली बात है कि किसी व्यक्ति का भूत अगर हो तो वो राइट हैंडेड से लेफ्ट हैंडेड कैसे बन जाएगा यार? फिर यार ऑनर, कल रात जब मैंने उसी विमान में यात्रा की तो मैंने ध्यान से सबको अपना कार्य करते हुए देखा और उस विमान में एक ही व्यक्ति बाएं हाथ से कार्य कर रहा था, कैप्टन एल्बर्ट। एल्बर्ट साहब, आप अदालत को बताइए कि आप ट्रेन की विंग पर मुझे देखकर इतना घबरा गए कि पैराशूट पहनकर आप चलती जहाज से कूद गए, क्या हुआ है साहब? मैं जागा था योर ऑनर। नहीं नहीं, डर नहीं गए? आप ये जान गए थे कि आपके खेल पर से पर्दा फाश हो गया है और मैं आपको अदालत में घसीट कर दंड दिलवाऊंगा, और इसी कारण आपने हिंदुस्तान छोड़कर लंदन जाने का प्रयास किया, किंतु मैंने पुलिस को इत्तला करके आपको वहीं गिरफ्तार करवा दिया। सॉरी यार, ये केस में बहुत डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं आपको, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है। ये जो अल्बर्ट जी हैं वो तो ब्रिटिश सिटीजन हैं और आप तो इंडियन हैं, वो तो पता ही हमको, लेकिन एक जो फॉरेनर है उनको आपके साथ क्या दुश्मनी हो सकती है भाई? वो क्यों आपको फंसाने की कोशिश करें? बताइए अल्बर्ट साहब, आपके साथ मेरी क्या दुश्मनी है, क्या बात? संभवतः आप इतना घबरा गए हैं कि आपकी बोलती बंद हो गई है अल्बर्ट साहब। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ न्यायाधीश महोदय को। योर ऑनर, कुछ महीनों पहले वरदापुर गांव में मैंने एक मुकदमा लड़ा था जहां स्टीवन टाइलर नामक एक व्यक्ति की जंगलों में हत्या हो गई थी। उस समय लोगों को ये आशंका थी कि उनकी हत्या किसी एलियन ने की है, किंतु मैंने अदालत में ये प्रमाणित किया था कि उनके सगे भाई कर्क टाइलर ने उनकी हत्या की थी और कर्क साहब को दंड दिया गया था। अब योर ऑनर, अद्भुत बात ये है कि एल्बर्ट साहब जो है, इनका पूरा नाम एल्बर्ट टाइलर है और ये कर्क टाइलर के भाई हैं
और उसी बात का बदला मुझसे लेना चाहते थे योर ऑनर। इनके भाई को जो दंड मैंने दिलवाया था उसी के कारण ये मुझे हत्या के आरोप में फंसाना चाहते थे, किंतु दुर्भाग्यवश कामयाब नहीं हुए। सब कुछ तो बाहर आ गया है अल्बर्ट साहब, आगे की कहानी कृपया आप ही बता दें। एक्चुअली सोहम को मुझ पे डाउट होने लगा था। कैप्टन, उस रात जब आप नैप ले रहे थे, हाँ हाँ, मैं 5 मिनट के लिए टॉयलेट गया और जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कोई जल्दबाजी में बिजनेस क्लास से कॉकपिट की तरफ भागता हुआ आ रहा था। कौन? वो तुम्हारे सिवाय और कौन हो सकता है? What? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किलर पायलट तुम हो? उसका डाउट मिटाने के लिए मैंने उसके सामने ओसीडी वीडियो अप्लाई किया। उसका शक मुझ पे गहराता जा रहा था, इसलिए एक दिन मैंने उसके ड्रिंक में वो पॉइजन मिला दिया था। पॉइजन मिलाने के बाद he died in the washroom. वॉशरूम में जाके मैंने ही उसको वो गोस्ट पायलट का ड्रेस बनाया था। जी हाँ, मैंने ही ये दोनों हत्याएं की हैं, पॉलिटिशियन नागर और सोहम की। एक्चुअली मैं अपने भाई का बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने केडी को टारगेट किया। डैम यू केडी। द डिफेंस रेस्ट सर। यह अदालत अल्बर्ट टाइलर को नचिकेत नागर और सोहम कश्यप के कत्ल में दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है और रोचक सावरकर को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। ये एक बहुत जेन्युइन बात, आपने जो इमेज वगैरह बनाया ना, मेरे को लगता है आपको एक एनिमेटर होना चाहिए, तो कार्टून नहीं बनाते। मैं एक प्रश्न है मेरे मन में जसवाल साहब, जिस प्रकार से मेरा हाथ मेरी इमेज के घुस गया था, मैं कोशिश करूँ एक बार। मैं सोच रहा था आप वास्तव में हैं या भूत है इनका। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.